नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों, एक हेवी ड्यूटी भारी भरकम वॉशिंग मशीन का पावर कंजम्पशन कितना होता है, आइए टेस्ट करते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, यहां पे मेरे पास में है मोटरोला का 10.5 kg फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। और ये जो वॉशिंग मशीन है दोस्तों, ये 5-स्टार रेटेड है। आई होप आपने इसका जो डिटेल्ड रिव्यू है वो देख लिया होगा। आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड सारे वीडियोज मिल जाएंगे। वीडियोज हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपके हिसाब से आपको जो पसंद आता है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर मेजर करने के लिए मैंने एक पावर मीटर लगाया है। आइए इसको हम जो है पावर दे देते हैं। और दोस्तों, ये जो वॉशिंग मशीन का जो प्लग है, ये बड़ा 16 एम्पियर वाला प्लग है। इसके लिए जो है मुझे कुछ इस तरह का जो है तामझाम लगाना पड़ा, क्योंकि ये बड़ा प्लग इसके अंदर नहीं लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे मीटर पे इस वॉशिंग मशीन का आइडल कंजम्पशन आ रहा है। मतलब 1 से 1.5 वाट जो है ये वॉशिंग मशीन लेते रहेगा। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आपका जो वॉश साइकिल है वो कंप्लीट होने के बाद में आप यहां पे जो है इसको मेन से बंद कर दीजिए, ताकि ये जो चीज है ये आपके जेब में से ना जाए। तो आइए अभी हम जो है वॉशिंग मशीन को ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों, ये जो है इसका डिस्प्ले वगैरह आ गया है, और इसके डिस्प्ले का कंजम्पशन वगैरह कितना है आइए हम देख लेते हैं। तो डिस्प्ले का जो है, जब सिर्फ जो है एलईडी इंडिकेटर चल रहे हैं, जब डिस्प्ले चल रहा है, तब ये जो है लगभग 4 वाट के आसपास का पावर कंजम्पशन ले लेता है। आइए अभी हम जो है इसका एक वॉश साइकिल लगा लेते हैं, और वॉश साइकिल लगाने के बाद में जो इसका मोटर वगैरह घूमने लगता है तब कितना कंजम्पशन है, ये चीजें मैं आपको पीरियोडिकली इस वीडियो में बताते रहूंगा। दोस्तों, जब मशीन इस तरह से स्लोली कपड़े घुमा रहा है तब का पावर देखिए, तो लगभग जो है सिर्फ 100 वैट लेता है ये, जब कपड़ों को जो है ये मिक्स कर रहा है। 100 से 120 वैट आप कह सकते हैं। और मोटर घूमने की स्पीड अगर आपको दिख पा रही होगी, द डोर इज एक्सट्रीमली ग्लॉसी। फोकस करना बहुत मुश्किल है इसके ऊपर, बट आपको एक अंदाज आ जाएगा। दोस्तों, जब कपड़े एक्चुअल में धोए जा रहे हैं तब का कंजम्पशन देखिए, तो यहां से आपको जो है स्पिन स्पीड का अंदाज आ जाएगा। और हमारा पावर मीटर जो बता रहा है वो बता रहा है लगभग 170 से 180 वैट। और जैसे ही मोटर रुकती है तो इसका कंजम्पशन वापस आइडल पे, मतलब 4 वैट पे आ जाता है। और अभी आप देख सकते हैं, जैसे ही मोटर स्टार्ट हुआ तो इसका कंजम्पशन बढ़ने लगा है, वापस 190 वैट पे आ गया है। और ये देखिए इसका मोटर, अब ये रुक गया है तो वापस ये 4 पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो काफी डायनेमिक कंजम्पशन है इसका दोस्तों, जितना जरूरत होता है उतना ही पावर ये लेता है। देखिए वापस 190 वैट, और मोटर रुकेगा तो ये वापस जो है नीचे आ जाएगा 4 वैट। तो वॉशिंग साइकिल के लिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो इसका वॉशिंग के दौरान कंजम्पशन जाने वाला है वो जाने वाला है 200 वैट के अंदर अंदर, 190 से लेकर 200 वैट के आसपास जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब इसका जो है हीटर चालू हो जाता है तब इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और लगभग 2000 से 2100 वैट जो है ये हीटर लगाने के बाद में ले लेता है। तो जो हीटर का फंक्शन है दोस्तों, इसको आप संभाल के इस्तेमाल कीजिए। ड्रेन मोटर का कंजम्पशन देखिए, अभी जो है पानी को ड्रेन किया जा रहा है, और 32 वैट जो है ये लेता है पानी को ड्रेन करने के लिए। और आई डोंट नो इफ यू कैन हियर दिस, जो ड्रेन का अगर आपको आवाज आ रहा होगा, तो ये इसके ड्रेन मोटर का आवाज है। 15 वैट पे आ गया ये। दोस्तों, हम आ गए हैं रिंस साइकिल पे। ये देखिए रिंस का जो इंडिकेटर है ये ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ड्रम को जो है वो कंटिन्यूअसली घुमाया जा रहा है, इफ यू कैन सी दिस। और रिंस साइकिल का पावर कंजम्पशन देखिए दोस्तों, 100 वैट से भी कम है, 74 से 80 वैट ये ले रहा है रिंस के लिए, इफ यू कैन सी दिस। ये देखिए इस तरह से घूम रहा है ये। गाइज, हाई स्पीड रेंज का परफॉर्मेंस और पावर कंजम्पशन देखिए। तो आई होप यहाँ पे आप इसका जो साउंड है वो सुन पा रहे होंगे। तो जो ड्रम है वो काफी तेजी से घूम रहा है, और हायर स्पीड पे जो है ये लगभग 300 वैट के ऊपर चला जाता है, आप देख सकते हैं स्पीड और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। और यहाँ पे आज जो मैंने इसका जो स्पिन सेटिंग दिया है दोस्तों, वो 1200 RPM पे दिया है, काफी ज्यादा है। और सुनिए आप इसका साउंड, दो सौ पैंसठ वैट
दोस्तों मशीन में जो है पानी ऐड किया जा रहा है और वाटर इनलेट का कंजम्पशन देख लीजिए 9 वाट्स है। दोस्तों हम स्पिन के फीचर में आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये जो प्रोग्रेस बार है लगभग एंड होने लगा है और जो मशीन के हैं वो सिर्फ 8 मिनट बचे हैं और ये स्पिन का सिंबल आपको मैं फोकस करके बताऊं, ये देखिए। और मशीन की जो आवाज है वो आप सुन ही पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो स्पिन है मैंने काफी तेज लगाया है, 1200 आरपीएम पे जो है वो स्पिन लगाया है। और कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो काफी इम्प्रेसिव कंजम्पशन मुझे लगा, 250 वैट जो है ये ले रहा है स्पिनिंग के लिए। और यहाँ पे आप सुन सकते हैं इसकी आवाज वगैरह, इसका जो परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे जो है इसका मैक्सिमम पीक है जो लगभग 360 के आसपास आया है और जब ये एक बार स्पीड अटेंड कर लेता है तो 300 से नीचे आ जाता है और अभी जो है वापस स्पीड बढ़ाई जा रही है। और आज का जो सेटिंग है दोस्तों काफी एग्रेसिव है, तो 1200 आरपीएम पे मैंने जो है इसको लगाया है और आपको एक बार मैं मीटर बता दूं, 393। और यहां पे जो है दोस्तों आप नॉइज वगैरह भी देख सकते हैं 1200 आरपीएम पे किस तरह से होता है और एब्सोल्यूट पीक जो है इसका आप देखिए 474 और वापस ये नीचे आ गया। तो जब ये स्पीड बढ़ाता है तब थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। दोस्तों हमारा जो वॉश साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका जो पावर कंजम्पशन है अगर उसको हम समराइज करने की ट्राई करें तो इसका जो एब्सोल्यूट पीक कंजम्पशन है वो लगभग 450 आप पकड़ सकते हैं इनरश वगैरह सब मिला के, और यूजुअल जो इसका कंजम्पशन है रिंस के लिए या फिर स्पिन के लिए लगभग 370 से 380 वाट के आसपास रहता है। ये सारी बातें हम कर रहे हैं बिना हीटर के, अगर हीटर आप लगा देते हैं तो 2000 वाट से भी ऊपर इसका कंजम्पशन जो है वो निकल जाता है। तो आप जो है अगर हीटर को बंद कर देते हैं तो इस 5-स्टार वॉशिंग मशीन को काफी कंफर्टेबली किसी भी छोटे सोलर सिस्टम या फिर सोलर इन्वर्टर, इवन नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर आप चला सकते हैं। और इसको जो है मैं चला रहा हूं UTL गामा प्लस पे, आपको यहां पे जो है कॉर्नर में सोलर एनर्जी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आप मेरा सोलर सेटअप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने में मजा आया तो इसको आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।